लाइफ फिट के गलियारे से एक ऐसा कॉन्वर्जेशन लेकर आई हूँ आपके लिए जिस पर हर किसी का सवाल है कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में अब ये चर्चाएं होने लगी है कि आखिरकार बिग बॉस की ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बिंदु दारा सिंह और देवोलीना बैठ के इसी बारे में बात करते हैं, वो जो मोजो वाला कैबिन है वहां पर। सो वहां पर बैठे बैठे दोनों जो है वो बातचीत कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। इस कॉन्वर्जेशन में जो है दोनों डिस्कस करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कौन हो सकता है इस सीजन का विनर, जहां पर बिंदु दारा सिंह बहुत क्लियरली समझाते नजर आते हैं देवोलीना को कि अगर बाहर के हिसाब से देखा जाए तो दो ही लोग कंपटीशन में नजर आ रहे हैं, राहुल वैद्य और दूसरी है रुबीना दिल्ले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी के जीतने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देवोलीना कहती है कि यार एली भी बहुत अच्छा कंटेस्टेंट है, बहुत अच्छा उसने गेम खेला। उन्होंने कहा कि हाँ एली बहुत अच्छा है, लेकिन एली का प्रॉब्लम ही यही है कि एली बहुत ज्यादा अच्छा है, एली उस तरीके से गेम खेलता नहीं पाया, उन्होंने अपने अपने आप को नहीं आगे लेके आया, वो किसी ना किसी का सपोर्ट ही बनते रहे, पहले जैस्मिन फिर राहुल। तो अब आप हमें बताइए बिंदु दारा सिंह के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी कितना अग्री करते हैं, आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, वेल राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही सारी खबरें ऑन टाइम।